अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपको इतने ज़बरदस्त और मज़े के स्नैक्स बनाना सिखाऊंगी कि जो आपने इससे पहले नहीं सीखे होंगे, और वो इतने मज़े के और इतने ज़बरदस्त हैं कि जितने वो ऊपर से क्रिस्पी हैं उतने ही अंदर से सॉफ्ट और मुंह में घुल जाने वाले हैं। ये स्नैक्स इतने ज़बरदस्त होंगे कि बच्चे भी इन्हें बहुत शौक से खाएंगे और आप इन स्नैक्स को बहुत जल्दी जल्दी बना सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले ब्रेड के 3 स्लाइसेस ले लीजिए, हर स्लाइस के 5-5 इस कटर से कटिंग करके पीसेस करने हैं। और जो ब्रेड का रिमेनिंग पार्ट बचेगा वो हम ज़ाया नहीं करेंगे, बल्कि उसके ब्रेड क्रम्स बना लेंगे और वो हमारी आगे रेसिपी में काम आएंगे जब हम इसको फ्राई करेंगे। मैंने ब्रेड के तमाम पीसेस बना लिए हैं, तीनों स्लाइसेस के पीसेस बना लिए हैं, और अब हम लेंगे पोटैटो की स्टफिंग। मैंने पोटैटो की स्टफिंग पहले से बना कर रखी है, आप भी पोटैटो की स्टफिंग अपनी मर्ज़ी के मुताबिक बना लें। जितना नमक मिर्च डालना चाहें डाल लें, आप इसमें कटी हरी मिर्च भी डाल सकते हैं और धनिया भी डाल सकते हैं। पोटैटो स्टफिंग में मैंने खुशक धनिया भी थोड़ा सा डाला है और ज़ीरा भी डाला है। इसके अलावा ओनियन बारीक कटा हुआ डाला है, लेकिन आप इसके अलावा सब्ज़ धनिया और हरी मिर्च भी डाल सकते हैं बारीक काट के, ये आपकी अपनी चॉइस पर है। अगर पहले से पोटैटो स्टफिंग आपके पास पड़ी हो तो 5 मिनट में ये स्नैक्स बनकर रेडी हो जाते हैं। ये देखें जिस तरह से मैं हर ब्रेड के स्लाइस के ऊपर पोटैटो स्टफिंग को रैप कर रही हूँ, बिल्कुल ऐसे ही आपने करना है। जैसे आलू की टिक्की बनाई जाती है, इसकी शक्ल बिल्कुल वैसी ही लगेगी, लेकिन इसके अंदर ब्रेड होगी और ये फ्राई करने के बाद इतनी टेस्टी लगेगी, बिल्कुल ऐसे जैसे आप फिश खा रहे हों। ये अंदर से इतनी सॉफ्ट होगी कि आराम से टूट के मुँह में घुल जाएगी, और बाहर चूँकि इस पर हम ब्रेड क्रम्स लगाएंगे तो ये और ज़्यादा क्रिस्पी होगी बाहर से। इसी तरीके से 3-4 कटलेट्स मैं बना चुकी हूँ। और अब एक और तरीका आपको बताने जा रही हूँ, जिसमें ब्रेड के 2 राउंड कटिंग्स लेंगे और उन पर चंद चंद ड्रॉप पानी डालेंगे। लेकिन याद रहे कि ये पानी चम्मच से आपने चंद ड्रॉप्स ही डालना है हर एक पर। अगर आप ज़्यादा पानी डालेंगे तो ये ब्रेड टूट जाएगी। चंद ड्रॉप्स पानी इस पर फैलाने के बाद इसको चम्मच से हल्का हल्का सा प्रेस करेंगे। याद रहे कि ये बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं करना, वरना ब्रेड टूट जाएगी। अब जो गीली साइड है, जिसे हमने थोड़ा थोड़ा सा प्रेस किया है, उस पर हम पोटैटो स्टफिंग को थोड़ा सा फैला देंगे। उसको पूरी तरह से उस पर फैलाने के बाद दूसरा पीस जो गीली साइड है वो हम अंदर रख देंगे और इसको हल्का सा प्रेस कर लेंगे। उसके बाद उसी तरह हम बाकी भी तैयार कर लेंगे। इस स्नैक्स मेहमानों के आने पर भी आप फौरन बना सकते हैं, अगर पहले से आपके पास पोटैटो स्टफिंग पड़ी हो, वरना पोटैटो स्टफिंग रेडी करके बहुत जल्द आप इसको तैयार कर सकते हैं। और अब आयल को पैन में हम रख देंगे। जब ये नॉर्मल गर्म हो जाएगा, ना ज़्यादा तेज़ गर्म होगा और ना ही इतना कम होगा कि ये स्नैक्स सारा आयल जज़ब कर लें। जब नॉर्मल टेम्परेचर हो जाएगा जिस पर हम फ्राई करते हैं, तो उस टेम्परेचर पर हम एक एक स्नैक को पकड़कर पहले हम एग में रोल करेंगे और उसके बाद ब्रेड क्रम्स जो हमने बनाए थे उसमें अच्छी तरीके से फोल्ड करने के बाद इसमें डाल देंगे। पैन में इसको तब तक फ्राई होने देंगे जब तक इसकी एक साइड का कलर ना आ जाए। जब एक साइड पर कलर आ जाए तो हम इसको चेंज कर लेंगे। याद रहे फ्लेम बहुत ज़्यादा तेज़ नहीं होनी चाहिए। अगर हाई फ्लेम पर आप इसको फ्राई करेंगे तो ये ऊपर से ब्लैक हो जाएंगे और अंदर से ठीक तरीके से नहीं फ्राई होंगे, लेकिन इसको मीडियम फ्लेम पर आप फ्राई करें ताकि ये अपना कलर खुद से पकने के साथ साथ गोल्डन कर लें।
और जब ये गोल्डन ब्राउन हो जाएं तो इनको प्लेट में उतार लें। तमाम स्नैक्स को फ्राई करने के बाद आप प्लेट में एक टिश्यू रख लें और तमाम स्नैक्स को एक एक करके निकाल लें ताकि तमाम ऑयल ये किचन पेपर रोल एब्जॉर्ब कर ले। और फिर हम इसे डिश आउट कर लेंगे। डिश आउट करने के बाद आप अगर इसे डेकोरेट करना चाहें तो कर सकते हैं। मेहमानों के आने पर भी आप इसे फ़ौरन से तैयार कर सकते हैं और बच्चों को लंच बॉक्स में भी ये दे सकते हैं। बच्चे भी इन स्नैक्स को बहुत पसंद करते हैं। ये दो किस्म के डिफरेंट स्नैक्स जब आप घर वालों को बनाकर देंगे तो यकीनन वो आपकी तारीफ किए बगैर नहीं रह सकेंगे। और जो लड़कियाँ नई नई कुकिंग सीखने जा रही हैं उनके लिए भी ये स्नैक्स बनाना बहुत ही ईजी है।